हेलो भाई। तो आज की वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ वीवो के न्यू मॉडल के साथ। वीवो का न्यू मॉडल आया है अंडर 15,000, जो कि है वीवो Y16, जो कि वीवो Y15 का एक अपग्रेड वर्जन है। तो दोस्तों, इस फोन में क्या क्या फीचर रहने वाले हैं और क्या क्या इसका डिजाइन है, क्या इसका प्राइस रहने वाला है, तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात होगी। वीडियो में साथ ही साथ अनबॉक्सिंग भी करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आप मेरे चैनल, मेरा नाम है अंकित कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल सफर्स। जी हाँ दोस्तों, हम मोबाइल सफर्स यूट्यूब चैनल पर हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे बैनल को हमारे सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, ये आ गया वीवो को Y16, जो कि एक रोज गोल्ड कलर में ये मेरे पास फ़ोन है। फ़ोन को मैंने पहले से ओपन कर लिया, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा इस फोन में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, इस फोन के कार्ड बॉक्स के अंदर क्या क्या आपको आउट ऑफ बॉक्स मिलेगा। तो दोस्तों, फर्स्ट को हमने कर लिया अनबॉक्स। तो बॉक्स के ऊपर आपको प्लास्टिक डब में यहाँ पर वीवो Y16 रखा हुआ मिलता है। तो रखते हैं इसको एक तरफ और देखते हैं यहाँ पर नीचे को आपको क्या मिलेगा इस फोन के अंदर रखा हुआ। तो दोस्तों, इस फोन में यहाँ पर ये कुछ पेपर मिलते हैं जिसमें यूजर मेनू होता है। तो इसको हटाते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है चार्जर, क्योंकि 10 वाट का फास्ट चार्जर यहाँ पर आपको वीवो की तरफ से देखने को मिलेगा। ट्रेवल अडेप्टर, साथ में यहाँ पर आपको USB 2 Type-C डाटा केबल यहाँ पर इस फोन के साथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर सेम इजेक्टर पिन आपको फोन के अंदर मिलती है। इस बॉक्स में आपको पहले केबल, डाटा, चार्जर, अडेप्टर और डाटा केबल और सेम वेक्टर पिन और यूजर मेनू देखने को मिलता है। इस फोन में आपको ईयरफोन देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे सभी फ़ोनों ने ईयरफोन अपने फ़ोन से गायब कर दी हैं, कुछ फ़ोन तो चार्जर भी गायब कर चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं इस फ़ोन के लुक एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसको रखते हैं अलग। तो दोस्तों, ये आ जाता है वीवो को Y16, जो कि एक रोज गोल्ड कलर में बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है, जो कि एक टेक्सचर फिनिशिंग के साथ आता है। वैक्यून ग्लॉसी फिनिश के साथ यहाँ पर इस फ़ोन को दिया गया है। ये फ़ोन आता है रेक्टेंगल शेप में। जी हाँ दोस्तों, इसको आप रेक्टेंगल शेप में मिलता है। यहाँ पर ऊपर सर्कल टाइप में दो कैमरा कट देख रखे हैं। साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड पर आपको कुछ नहीं मिलता है। जब टॉप टॉप माइक में एक उसे सेकंड माइक मिल जाता है। नीचे टाइप में आपको सिम इजेक्टर पिन, सिम इजेक्टर ट्रे, 3.5 mm जैक, ऑडियो जैक है, चार्जिंग जैक और सिंग स्पीकर देखने को मिलेगा। राइट हैंड साइड पर आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम अप डाउन की एंड पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं इसके बैक कैमरे के बारे में। तो बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि आपको 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल सेंस के रहने वाला है। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन की बात करते हैं। इस फ़ोन की हम प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा, मीडियाटेक का P35 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इस फ़ोन की हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। तो ये फ़ोन आपको 4GB 64GB वेरियंट के साथ देखने को मिलेगा। इस फ़ोन में आप 1024GB तक का मेमोरी कार्ड भी एक्सपेंड कर पाएंगे। साथ ही साथ 1GB रैम तक वर्चुअल रैम का ऑप्शन इस फ़ोन में मिलेगा। इस फ़ोन की बैटरी की बात करें तो इस फ़ोन में जो बैटरी आती है वो 5000 mAh की लिथियम फॉरएवर बैटरी मिलेगी, जो कि टाइप सी चार्जर के साथ आता है। ये इस फ़ोन को चार्ज होने में लगभग 1 से 1.25 घंटा लग सकता है फुल चार्ज होने में। तो इस फ़ोन की ये बैक कैमरे की कुछ क्वालिटी इस प्रकार है, जो कि आप देख पा रहे हो 13 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट मोड। इस फ़ोन में आप फ्रंट एंड बैक कैमरे से 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर फुल HD पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, ओनली 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इस फ़ोन की डिस्प्ले HD+ डिस्प्ले है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ सेल्फी कैमरा इसका इस प्रकार से है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक नई अनबॉक्सिंग के साथ। थैंक यू।